और हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं खास मेहमान commonflow.com के फाउंडर सुमित जैन, लगातार में बने हुए हैं, और मेरे सहयोगी सौरभ साहनी भी। सुमित जी, आप समझना चाहेंगे जब हम पोर्टल्स की बात करते हैं तो एक नई दुनिया दिखाई देती है प्रॉपर्टी बाजार को समझने के लिए बारीकी से, और हर वो पहलू जानने के लिए जिसका सीधा सरोकार होता है प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने से, एक नई क्रांति के तौर पर से देखा जाए। बिल्कुल, आप देखिए प्रॉपर्टी की भरमार है हर जगह, आप कहीं पर भी दिल्ली की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, हर जगह प्रॉपर्टीज आ रही हैं। तो यहाँ पर एक बायर के लिए बहुत ही जानना कि कौन सी प्रॉपर्टी सही है, क्या इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो ऑनलाइन के ऊपर अगर आप आते हैं तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी। बल्कि मैं बताना चाहूंगा कि commonflow.com के ऊपर हमने एप्लीकेशन लॉन्च करी है, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसपे कि आप अगर मूव कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में भी नहीं बैठे हैं, जब भी आप प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं। मैप सर्च ऐसी फीचर आई है जिसमें कि आप पता कर सकते हैं कि आप जहां रह रहे हैं उसके आसपास कौन सी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन है, जिसकी वजह से आप घर पे बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज अच्छी हैं, कौन सी खराब हैं। जब आप बाहर देखने जाते हैं प्रॉपर्टीज, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको दो या तीन प्रॉपर्टीज देखनी है, ना कि आपको बस पूरे अपने वीकेंड्स या वीकडेज खराब करने हैं। वाकई में बहुत आपने अहम पॉइंट हमें बताया है सौरभ। जब इंटरनेट की दुनिया को हम खोजते हैं तो कई ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। अब प्रॉपर्टी बाजार भी अछूता नहीं रहा है इस इंटरनेट की दुनिया से। आपको सिर्फ एक क्लिक करना है माउस पे और उसके बाद प्रॉपर्टी की सारी दुनिया आपकी आंखों के सामने। दिव्यांश, मैं बता दूं, आज की डेट में आदमी इतना व्यस्त हो चुका है, उसका शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि उस पर अगर वो अपना टाइम वेस्ट करेगा डेढ़ दो महीने प्रॉपर्टी सर्च करने में, तो उसका नुकसान इतना नहीं होगा जितना वो सोच भी नहीं सकता। आज की बात करें तो लोगों के लिए एक इजीली ऑप्शन है, चाहे पोर्टल्स की बात करें, आप नेट मार्केटिंग की बात करें, आप घर पे बैठे हैं, आपको एक नेट रिसर्च मारनी है, थोड़ी सी रिसर्च करनी है, आपने दो तीन प्रोजेक्ट सेलेक्ट करे, उनका नाम डाला, आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में तो डिटेल्स मिलेंगी, साथ में जो डिस्काउंट चल रहे हैं, जो स्पेसिफिकेशंस उसमें मिल रही हैं या कुछ स्कीम्स चल रही हैं उनका कंपैरिजन आपको मिल जाता है, अच्छी रिसर्च कर लेते हैं। उसके साथ ही आप उनके साथ जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं उनके साथ अच्छा कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं आज से 5 साल पहले की अगर आपको बात बता दूं, जो प्रॉपर्टी सर्च करने जाते थे, जब चाहे आप ग्रुप हाउसिंग की बात करें, तो जितने भी लोग हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, वो रिसर्च करते थे, उनको कम से कम पहले जाना पड़ता था, साइट पे देखते थे, वहां पर आसपास ब्रोकर्स के पास बैठते थे, वहां से रिसर्च करनी पड़ती थी। उन्हें एक्चुअल जो डिस्काउंट्स हैं वो सब चीजें उन्हें नहीं पता लग पाती, क्योंकि उनकी रिसर्च अच्छे से नहीं हो पाती थी, क्योंकि दो तीन लोग जो मोनोपोली चला रहे हैं, अगर कोई बिल्डर के यहाँ बैठे हैं, चाहे वो ब्रोकर्स हो, एजेंट्स हो उसके, या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो, तो रिसर्च नहीं कर पाते, उन्हें डिस्काउंट नहीं पता लग पाता। लेकिन आज की डेट में पोर्टल्स ने इतना इजीली बना दिया है, लोगों को कम टाइम पे ज्यादा प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, ज्यादा कंपैरिजन्स हो जाते हैं, उनके जो डिस्काउंट्स हैं वो पता लग जाते हैं, और प्राइसेस में उनको जो डिफरेंसेस हैं वो पता लग जाते हैं, और जो ब्रांड है, चाहे बिल्डर्स हैं, दो तीन बिल्डर में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या क्या वो डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या क्या उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो सब इजीली पता लग जाते हैं। जी सुमित जी, आप लोग इंटरनेट पर किसी भी डेवलपर के प्रोजेक्ट हो, जो बायर्स के लिए इतनी सारे ऑप्शंस होते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए क्या क्या होमवर्क करना पड़ता है? क्योंकि बायर्स के लिए ये बहुत जरूरी है समझना कि इंटरनेट पर वो जो भी प्रॉपर्टी देख रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी सटीक है, और जो जानकारी उसे मुहैया कराई जा रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, अप टू डेट है। देखिए दीवांश जी, ये बात तो सही है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन कितनी सही है कितनी गलत है, इसका जो 100% एक्यूरेसी पता करना बहुत ही टफ है। पर एट द सेम टाइम हमारे प्रोसेसेस पूरे बिल्ड होते हैं जिसमें कि हम हर एक इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं थ्रू ऑल मीडियम पॉसिबल, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो फोन हो, चाहे वो फिजिकली विजिट करना हो। उसके बाद सब कुछ करने के बाद भी हम हमेशा बायर को ये रिकमेंड करते हैं कि आप ऑनलाइन को हमेशा यूज कीजिए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ना कि उसको आप फाइनलाइज कर दीजिए कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वही फाइनलाइज है। और मुझे लगता भी नहीं कि कोई भी आगे जाके एटलीस्ट 2-5 सालों में कोई भी इंटरनेट को केवल यूज करके प्रॉपर्टी खरीद सकता है। बट हाँ, आप ये काम ही कर सकते हैं कि आपको अगर 20 प्रॉपर्टी या 50 प्रॉपर्टी पता नहीं है, पहली बात तो ये आपको ये बता सकता है इंटरनेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। मान लीजिए 50 प्रॉपर्टी अवेलेबल है जो आपको ऑफलाइन नहीं मिलती, उसके बाद उन 50 में से आपको कौन सी रेलेवेंट लगती है, उसमें से आप 2 या 4 शॉर्टलिस्ट कीजिए, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन उसको यूज करके आप फिर ऑफलाइन साइट विजिट कीजिए, और फिर जाके नेगोशिएट कीजिए जो आपके प्राइसेस हैं। सुमित जी, एक बहुत अहम पहलू है जिसे आपसे हम विस्तार समझना चाहेंगे। आजकल इतनी सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर प्रॉपर्टी के हम देखते हैं अलग अलग रेट्स मेंशन किए होते हैं, ऐसे में कंफ्यूजन होना भी लाजमी है। क्या आप सजेशन देंगे बायर्स को कि वो प्रॉपर्टी की जब साइट देखते हैं तो किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें? देखिए, प्राइस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बट प्राइस एक इन्फॉर्मेशन है, बाकी उसके अलावा लोकेलिटी, आसपास एमिनिटीज, कि आप अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके आसपास हॉस्पिटल है नहीं है, या फिर वो आपके ऑफिस से कितना दूर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये ऑनलाइन काफी अच्छे से एड्रेस हो सकती है। प्राइस की इन्फॉर्मेशन चूंकि बहुत ही ज्यादा डायनेमिक होती है, इसके बारे में मैं बोलूंगा कि डेफिनेटली आपको
ऑनलाइन आप रेफर कर सकते हैं, एटलीस्ट आपको ये पता लग जाएगा कि आपका बजट अगर 50 से 70 लाख के बीच में है तो कौन सी प्रॉपर्टीज फॉल होती हैं। अब वो प्रॉपर्टी 52 की है या 54 लाख की है, ये एग्जैक्ट डिटेल्स आपको डेफिनेटली बिल्डर से बात करके ही पता लगेगी उस वक्त क्या मार्केट में रेट चल रहा है, क्या चीज है। बट ऑनलाइन डेफिनेटली अप टू डेट रहता है, काफी इन्फॉर्मेशन अच्छी रहती है। बट चूंकि पूरा इकोसिस्टम अभी क्रिएट हो रहा है, आज देखें कि आज बिल्डर्स भी ऑनलाइन आ रहे हैं, ब्रोकर्स भी ऑनलाइन आ रहे हैं, बायर्स भी ऑनलाइन आ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा कि पूरा 100% सिस्टम ऑनलाइन मूव करें। बट आज की जो स्थिति बताता हूँ, आज की स्थिति में भी ये चीज है कि चूंकि इतना टाइम लगता है लोगों को ट्रैवल करने के लिए, तो ऑनलाइन तो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। हाँ, मगर ऑनलाइन को यूज करके आपको ये समझना पड़ेगा कि कितना ज्यादा काम आपका इजी हो सकता है। वो मुझे लगता है 90% काम इजी हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीडियम है, रियल एस्टेट पोर्टल्स हैं, इनके थ्रू आप इतनी अच्छी रिसर्च कर लेते हैं कि आप बिल्डर्स या किसी ब्रोकर्स या उनके चैनल पार्टनर्स के पास जाते हैं, तो आप एक नेगोशिएशन करने का आपके पास बहुत अच्छा पॉइंट होता है, स्ट्रांग पॉइंट होता है। आप डिस्काउंट्स की बात करें, पहले क्या होता था, 5 साल पहले लोगों को अगर बिल्डर ने 5% डिस्काउंट दे रहा है तो उस प्रॉपर्टी पे उन्हें डिस्काउंट पता नहीं लग पाता था। आज की डेट में लोगों के डिस्काउंट्स इसलिए ही कम हो गए, अगर पहले 3-4 लाख रुपए का प्रॉफिट अगर कोई एजेंट कमाता था तो आज भले ही उसका प्रॉफिट 50,000-1 लाख हो गया हो, लेकिन कस्टमर बहुत ध्यान रखता है इन चीजों का, उसको नेगोशिएशन करने का पॉइंट मिल जाता है, अच्छी तरीके से रिसर्च कर लेता है उस पर। चलिए सौरभ, वाकई में आपने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए हैं और डेफिनेटली टाइम के साथ बायर्स की सोच बदल रही है और इतनी सारी प्रॉपर्टीज बाजार में आ चुकी है कि कंफ्यूजन होना लाजमी भी है। ऐसे में इस कंफ्यूजन को कम करने के लिए ये तमाम साइट्स एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। हमारे विशेष मेहमान सुमित जैन भी स्टूडियो मौजूद हैं, आप बने रहे हमारे साथ। सौरभ, आप भी बने रहे हमारे साथ। छोटे से ब्रेक लुकेंगे, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रॉपर्टी टिप्स।